नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स 12 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये कुछ न्यूज़ हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं आपके लिए। सबसे पहली न्यूज़ है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को बनाया जा रहा है अमरावती और इंदौर में। बहुत सारे माउंटिंग केसेज आ रहे हैं आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स में। जो बेंचेस थी ऑल ओवर इंडिया वो बहुत कम थी, इसलिए इन दो एक्स्ट्रा बेंचेस को बनाया गया है। फिर उसके साथ साथ देखेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है क्या। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से। ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप देखेंगे क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है ये भी देखेंगे। फिर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, कि पेट्रोल में आप कुछ परसेंट इथेनॉल मिला दो, लगभग 20% का टारगेट रखा गया है, और उसके बाद आप यूज करो। तो जो आप व्हीकल्स भी बनाओगे वो भी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ कॉम्पैटिबल होने चाहिए। और इससे होता ये है कि जो आपका एमिशंस होते हैं ना फिर व्हीकल से, तो उन एमिशंस में ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरीके की जो गैसेज होती हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है इनके एमिशंस में, अगर आप एथेनॉल ब्लेंड कर दो इनके साथ। तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है इसकी बात करेंगे। फिर अभी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। ये प्लान क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिर पल्स पोलियो प्रोग्राम ऑफ 2019 ये देखते हैं, और वन लाइनर न्यूज़ है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये देखते हैं। मैंने केवल उन न्यूज़ को जोड़ा है फ्रेंड्स जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, बाकी न्यूज़ मैंने स्किप करी है। अब देखिए, अमरावती और इंदौर में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। अमरावती आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी है और इंदौर आपका मध्य प्रदेश में, तो इंदौर में बनेगा और अमरावती में बनेगा। अब देखिए, अमरावती का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होगा, तो आंध्र प्रदेश स्टेट में उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। देखिए, आंध्र प्रदेश आप समझ सकते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी आपको मालूम है फ्रेंड्स, वो हुआ करती थी हैदराबाद। पर जब से ये स्टेट्स का बंटवारा हुआ है तो हुआ ये कि हैदराबाद बन गई तेलंगाना की राजधानी। तो अब हैदराबाद में जितनी भी चीज़ें थी वो तेलंगाना के पास चली गई, तो आंध्र प्रदेश के पास कुछ बचा नहीं, तो आंध्र प्रदेश सब कुछ अपना नया बना रहा है, तो उसके लिए उसने बनाया अपना अमरावती। तो अमरावती में आएगा ये नया ट्राइब्यूनल, उसके साथ साथ इंदौर में आएगा मध्य प्रदेश वाला ट्राइब्यूनल। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, लेकिन इसका NCLT जो बेंच होगी जिसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे मध्य प्रदेश में होगा वो सेटल की जा रही है कहाँ पे, इंदौर में। तो पहले ये जो मध्य प्रदेश वाली जो NCLT जो केसेस थे ना मध्य प्रदेश का, उसका ज्यूरिसडिक्शन किसके पास था, NCLT बेंच अहमदाबाद के पास था। तो अब इनकी खुद की इंदौर में आ गई, तो इंदौर के पास आ जाएगा। अब ये बनाया क्यों जा रहा है, देखिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 में ये साफ साफ बोल रखा है कि जहाँ तक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस की बात है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होगा, और जहाँ तक इंडिविजुअल्स की बात है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स होगा। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स इंडिविजुअल्स के लिए, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया के अंदर। उसके साथ साथ फ्रेंड्स नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शुरू किया गया था, और क्या क्या करेगा इसके बारे में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 में भी लिख रखा है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर भी लिख रखा है। इफेक्टिव और टाइम बाउंड एडजुडिकेशन मैकेनिज्म नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और उतने मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट नेसेसरी समझती है। फिलहाल के लिए इसमें 17 जुडिशियल मेंबर्स हैं और 10 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं इसकी बेंच में। ठीक है, अभी तक 14 नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की बेंचेस को एस्टैब्लिश किया गया है। जो इसकी सबसे मेन बेंच है, प्रिंसिपल बेंच है, वो तो न्यू दिल्ली में है। ऑब्वियसली कुछ और नई बेंचेस अभी कुछ दिन पहले खोली गई थी, जिसमें जयपुर है, कोची है और कटक है। आगे चलते हैं। अब अगली जो न्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स वो है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। अब इस एग्रीमेंट में क्या होगा, कॉरपोरेशन एग्रीमेंट में, कि भाई जो हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले कर पाएंगे। कुछ दिन पहले भी फ्रेंड्स मैंने आपसे बात की थी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में, और मैंने बताया था कि उसके अंदर इस कोड के अंदर, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के अंदर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसीज दोनों के बारे में लिखा हुआ है, उनके प्रॉपर
फंक्शंस लिखे हुए, डेफिनेशंस लिखी हुई। यहाँ पे मैं आपको इनफॉर्मली बताता हूँ कि देखिए, ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं और ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, तो ये एजेंसीज अलॉट करती हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, और दीज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन वो कंपनीज जो कि डिजॉल्व हो रही हैं और वो कंपनीज जो उन डिजॉल्व कंपनी को खरीद के उनको रिवाइव करना चाहती हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में होता क्या है, पहले वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये देखेगा कि क्या इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है। अगर उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है तो फिर उसकी बिडिंग होगी। उस बिडिंग में फिर बहुत सारे लोग अपनी बोली लगाएंगे कि हम इतने पैसे में इसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, हम इतने पैसे में उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट देना चाहिए तो गवर्नमेंट भी पिचिंग करके सपोर्ट करेगी, और फाइनली जो भी बिडर है, जो भी वो आइडिया दे रहा है, अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और एजेंसीज को लगता है कि इस जो आइडिया इस बिडर ने दिया है, इससे इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, तो फिर वो बिडर जीत जाएगा। और अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ये लगता है कि ये कंपनी रिवाइव नहीं हो सकती है, तो फिर उसके एसेट्स को लिक्विडेट करके जो भी हायरार्की के हिसाब से पैसा देना होगा उसके क्रेडिटर्स को, डेब्टर्स को, वो दे दिया जाएगा। तो ये होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का। तो आप समझ सकते हो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसके साथ जो इन्होंने कॉरपोरेशन एग्रीमेंट किया है, इससे एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इसके कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट से इनको काफ़ी मदद मिल पाएगी। एग्जैक्टली किस तरीके की मदद मिलेगी ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बारे में देख लेते हैं। दिस इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो इन फॉर प्रॉफिट काम करता है और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में अपना वो मतलब कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करता है। तो अभी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें पांच इंस्टीट्यूशंस आते हैं, पांचों इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे। तो जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इट कम्प्लीटली वर्क्स ऑन अ फॉर प्रॉफिट प्रिंसिपल। कॉमर्शियल ऐसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करेगा जहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट आने की उम्मीद हो। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, Washington DC में इसका हेडक्वार्टर्स है। 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और इसमें ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है और लोन देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। वेल नोन डेवलपमेंट बैंक है वर्ल्ड का, ऑब्जर्वर भी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट ग्रुप में, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो Washington DC में है। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में एग्जैक्टली कौन कौन सी बैंक्स या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जो कि ओरिजिनली बना था सबसे पहले यही था वर्ल्ड बैंक। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अब भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि अभी अभी हमने देखा वो भी वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब अगर बात की जाए कि इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से कितने ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक को बनाता है, जो कोड वर्ल्ड बैंक जिसको हम जानते हैं, तो वर्ल्ड बैंक में आते हैं आपके 2, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को जब आप मिला देंगे तो आपका बन जाएगा वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने हो गए, 5 हो गए। हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, Washington DC। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को चालू किया जा रहा है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंदर में। अब सवाल आता है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम से रिलेटेड अभी हो क्या रहा है। न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि शुगर मिल्स की इथेनॉल की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको कुछ मदद देने की कोशिश की। और गवर्नमेंट किस तरीके की मदद देगी भाई, 3,355 करोड़ देगी इन इंसेंटिव्स में। ठीक है ना, तो इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि जो मिल्स होती हैं वो मिल आपका शुगर केन लेती हैं फार्मर से, और उस शुगर केन से वो शुगर बनाती हैं, और उसी शुगर केन के मोलासेस को यूज़ करके वो इथेनॉल बना सकती हैं। तो शुगर मिल्स का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अभी हो क्या रहा है रिसेंटली कई दिनों से कि शुगर का बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस हो रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है ना, वो अभी केवल 355 करोड़ लीटर्स है पूरे इंडिया में।
अब शुगर का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है फ्रेंड्स कि शुगर इतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हो जाता है कि उसके दाम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि बजाय ये कि आप शुगर का एक्सेस प्रोडक्शन करें, इतना ज़्यादा शुगर ले आएँ कि उसके दाम कम हो जाएँ, आप थोड़ा बहुत शुगर केन से एक्स्ट्रा इथेनॉल को प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि इथेनॉल की हमको ज़्यादा ज़रूरत है। शुगर की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाइम टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट शुगर के लिए निकालती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि शुगर के दाम एक लिमिट से ज़्यादा नीचे ना चले जाएँ, क्योंकि अगर एक लिमिट से ज़्यादा नीचे शुगर के दाम चले जाएंगे तो जो फार्मर्स शुगर केन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके पास ठीक से पैसा नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि होता यह है कि शुगर मिल वाले डाउन पेमेंट नहीं करते हैं शुगर फार्मर्स को, शुगर फार्मर्स आके अपना शुगर केन गन्ना इन शुगर मिल वालों को दे जाते हैं और शुगर मिल वाले उनको बाद में पेमेंट करते हैं, और जब शुगर मिल वालों की कमाई नहीं होती है ना तो वो पेमेंट भी डिले कर देते हैं शुगर केन फार्मर्स को। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इस समय पे। तो कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट 3,355 करोड़ इंसेंटिव्स देगी, जिसमें 2,790 करोड़ बैंक लोन इंटरेस्ट सबवेंशन होगा मिल्स को। यानी कि ये जो बैंक से लोन उठाती है ना शुगर मिल्स, तो उसके ऊपर भाई इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट में उनको सबवेंशन मिल जाएगा लगभग कितना, 2,790 करोड़ का। फिर 555 करोड़ लोन इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा मोलासेस बेस्ड स्टैंड अलोन डिस्टिलरीज, इसके अलावा जो केवल मोलासेस बेस्ड की केवल अकेले की डिस्टिलरीज हैं उनको भी 565 करोड़ का लोन इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। फिर ये कहा जाएगा कि बैंक 15,500 करोड़ दे सकते हैं मिल्स को और डिस्टिलरीज को स्कीम के अंदर में, लगभग 268 मिल्स को ये मदद करेगा। और हमारे यहाँ 300 से 400 करोड़ लीटर्स की एथेनॉल कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अभी अगर आप देखोगे पूरे भारत में 355 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है इथेनॉल प्रोडक्शन की, और उस 355 करोड़ लीटर की इथेनॉल कैपेसिटी को 300 से 400 करोड़ लीटर की इथेनॉल कैपेसिटी से बढ़ा देगा। ये एम है, ये टारगेट है, ठीक है ना। और उस टारगेट के लिए कहा जा रहा है कि भाई ये जो शुगर केन सरप्लस आ रहा है इतनी भारी मात्रा में, फार्मर्स जो आपको शुगर केन दे के आते हैं उसका पूरा का शुगर मत बना दीजिए, उसका आप ज़्यादातर बहुत सारा हिस्सा इथेनॉल प्रोडक्शन में भी काम में आए, ताकि एक बैलेंस बन सके। शुगर मार्केट में एक्स्ट्रा पहुंच रहा है, इथेनॉल कम पैदा हो रहा है, तो इथेनॉल में आप डाइवर्ट करें ताकि शुगर और इथेनॉल के बीच में हम एक बैलेंस बना पाएं। अब हम देखते हैं कि इथेनॉल की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी देखिए इंडिया पूरी दुनिया में चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का। इंडिया लगभग अपना जो टोटल क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट है उसका 82.1% इंपोर्ट करता है, और जो गैस का है 44.4% इंपोर्ट करता है। और कहा जा रहा है कि अभी जिस रेट पे हम लोग पेट्रोल डीजल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आने वाले 2030 तक जो भी एस्टिमेटेड पेट्रोल कंजम्पशन है ना, उसमें अगर आप 20% इथेनॉल ब्लेंड करते हो तो उसके लिए हमारी इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2030 तक हर साल 10 बिलियन लीटर्स होनी चाहिए। यानी हमारे पास एक साल में 10 बिलियन लीटर्स की इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, समझे आप बात को, तभी हम जिस स्पीड से हम अपना पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं तो हम पूरे पेट्रोल में 20% लगा पाएंगे। क्योंकि एथेनॉल तो हम तब ब्लेंड करेंगे ना पेट्रोल में जब हमारे पास इथेनॉल होगा, और पेट्रोल तो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है कंजम्पशन। 2030 तक जितना पेट्रोल है उसमें अगर आपको 20% इथेनॉल मिलाना है तो कम से कम आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सालाना इथेनॉल की 10 बिलियन लीटर्स होना चाहिए। और प्रॉब्लम यह है कि अगर अभी आप देखोगे तो हमारी इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी एक साल में केवल 1.55 बिलियन लीटर्स है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, हमको 6.5 गुना करना है अभी अपनी इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को, ठीक है। और ये कहाँ लिखा है कि हमको 20% ब्लेंडिंग करनी है, तो ये नेशनल पॉलिसी और बायोफ्यूल ने टारगेट रखा है, ठीक है, इसलिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लगाया जाएगा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब देखिए धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या होगा कैसे होगा। अब आगे आने वाले टाइम में इथेनॉल का प्रोडक्शन कितनी तेजी से बढ़ेगा, किस तरीके से हम फॉरेन से टेक्नोलॉजी ला के इथेनॉल प्रोडक्शन को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमको धीरे धीरे पता चलेंगी। अब इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जो इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान है, ये इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जो इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट लेके आई है इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान में, जिसमें कहा गया है कि एड्रेसेस कूलिंग रिक्वायरमेंट अक्रॉस सेक्टर एंड लिस्ट आउट एक्शन विच कैन हेल्प रिड्यूस द कूलिंग डिमांड। द ओवर आर्चिंग गोल इज टू प्रोवाइड सस्टेनेबल कूलिंग एंड थर्मल कम्फर्ट फॉर ऑल वाइल सिक्योरिंग एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी।
सवाल ये आता है कि स्कूलिंग में क्या क्या आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, स्कूलिंग में हर चीज़ आ जाएगी, ईच एंड एवरी थिंग विल बी कवर्ड इन द स्कूलिंग। चाहे वो आपके घर में लगा हुआ एसी हो, चाहे वो आपके घर में लगा हुआ फ्रिज हो, हर चीज़ जो आपकी कूलिंग से रिलेटेड है वो यहाँ पे आ जाएगी। देखिए कूलिंग डिमांड तो बढ़नी ही है इंडिया में। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन के चलते ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में भी टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, तो कूलिंग की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। आप सबको अपने घर में एसी लगाने, सबको अपने कार में एसी चला के रहना है। दिल्ली में तो लोगों का अब ये माइंडसेट हो गया है कि हवा गंदी है तो क्या करें, तो भाई एसी चला लो, एसी की हम बिल दे देंगे लेकिन कम से कम हवा तो साफ सूंघेंगे। क्योंकि अब तो उनके लिए ये हो गया कि हम अपनी हवा को ही नहीं सूंघना चाहते, वो इतनी गंदी है। तो कूलिंग की जो डिमांड है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। लेकिन सेक्टोरल है, हर सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हमको कूलिंग रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना है। चाहे वो कूलिंग रिक्वायरमेंट रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की हो, चाहे वो कोल्ड चेन की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो रेफ्रिजरेशन में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, हर जगह हमको इस कूलिंग रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एड्रेस करना है। और इसीलिए ये जो कूलिंग एक्शन प्लान है, इसका जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, तो कहा गया है कि भाई इन्वायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में हम एक तरीके का बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंट में कैसे कि अब देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कूलिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, तो कोल पावर प्लांट से आ रही है, गैस पावर प्लांट से आ रही है। और थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली आ रही है वहाँ पे भी तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस हो रहा है। तो या तो आप सारी की सारी बिजली रेन्यूएबल एनर्जी से पैदा करो, हाइड्रो पावर से पैदा करो, न्यूक्लियर पावर से पैदा करो, सोलर पावर से पैदा करो, पर ऐसा हो तो रहा नहीं है। अभी इंडिया की मैक्सिमम पावर आपकी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, तो ग्रीन हाउस गैस को इमिट करके आप बिजली पैदा कर रहे हो और उस बिजली से आप एसी चला रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को बढ़ा रहे हो। इसीलिए इन्वायरमेंट को भी सिक्योर करना है और साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने चाहिए, यानी पीपल को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिले, उनको सोशल बेनिफिट्स भी मिले, वो एक आराम की ज़िंदगी जी सके, उनको सस्टेनेबल कूलिंग मिले, थर्मल कंफर्ट मिले, ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशंस भी कम हो, साथ साथ लोगों की सहूलियत भी बनी रहे। तो भाई इसमें यह कहा गया है कि काफ़ी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस को लाने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि 20 साल का टाइम फ्रेमवर्क रखा जाएगा जिसमें इस कूलिंग एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस कूलिंग एक्शन प्लान में बेसिकली होगा क्या कि जो कूलिंग डिमांड है सेक्टर्स में उसको 20-25% किया जाएगा 2037-38 तक। फिर जो रेफ्रिजरेंट की डिमांड है ना, उस रेफ्रिजरेंट की डिमांड को रिड्यूस किया जाएगा 25-30% तक 2037-38 तक। फिर कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस किया जाएगा 2037-38 कहाँ से कहाँ तक, 25% से 40% तक। ठीक है, उसके बाद कूलिंग और रिलेटेड एरियाज़ को आपका रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ थ्रस्ट एरिया फॉर रिसर्च अंडर नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में के R&D में कूलिंग और रिलेटेड एरियाज़ को डाला जाएगा ताकि लोग इस बात पर रिसर्च कर सके कि सस्टेनेबल तरीके से और कम एमिशंस हो उनको डिप्लॉय करके कैसे हम लोग कूलिंग को बढ़ा सकें। तो इसको, और ख़ास बात ये होती है फ्रेंड्स कि देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर चीज़ कर पाते हैं तो आप सच में बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस को ढूंढ पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंडर डाला गया है। फिर कहा गया है कि ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ 100,000 सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस बाय द ईयर 2022-23 एनर्जी विद स्किल मिशन। तो इसमें होगा फिर फ्रेंड्स कि आप देखिए ACs हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, जितना भी कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रेगुलरली आपको मतलब उसको बनवाना ही पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो उसके लिए लगभग 100,000 सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि रेगुलर सर्विसिंग होगी, ठीक है, रेगुलर उस मशीन को देखा जाएगा तो वो मशीन पूरी एफिशिएंसी के साथ काम होगी, तो उससे भी आपके इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी एमिशंस कम होंगे ग्रीन हाउस गैसेस के। तो स्किल इंडिया मिशन को भी इससे एक जोर मिलेगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि असेसमेंट किया जाएगा कूलिंग रिक्वायरमेंट का हर सेक्टर में अगले 20 साल के लिए, उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड रेफ्रिजरेंट की डिमांड की है और जो एनर्जी यूज़ है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ फ्रेंड्स ये भी बोला जा रहा है कि पूरी सोसाइटी के को इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, पूरी सोसाइटी को मिलेगा। देखिए सबको थर्मल कंफर्ट देना है,
जो अमीर है वो आपका रेफ्रिजरेटर और एसीज को अफोर्ड कर सकता है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और लो इनकम ग्रुप्स के जो हाउसेज हैं वहां पे कूलिंग को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा ये भी इसमें देखा जाएगा। फिर सस्टेनेबल कूलिंग पे जोर डाला जाएगा, सस्टेनेबल कूलिंग पे जोर डाला जाएगा यानी कि भाई जो ग्रीन हाउस गमीशन कम है उनको आप कम करिए, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाएगा, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा डाले। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि फार्मर्स जो भी वेजिटेबल्स या जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को ग्रो करते हैं रूरल एरियाज में, उन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को मार्केट तक भी तो लाना है ना, तो मार्केट तक लाने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी और कोल्ड चेन में आपकी कूलिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, उसको किस तरीके से एफिशिएंटली मैनेज किया जाए इसकी बात की जाएगी, ताकि फार्मर्स को ने जो पैदावार की है उनको उसकी कीमत मिले और साथ साथ आपका जो वेस्टेज है वो भी कम हो। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स हो ताकि लाइवलीहुड अच्छी हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो, कैसे ये मैंने अभी आपको बताया। मेक इन इंडिया ताकि एयर कंडीशनिंग और रिलेटेड जो कूलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको आप इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर चुको। फिर रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए अल्टरनेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज पे, जैसा कि मैंने आपको बताया नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंदर इसको शामिल किया जा रहा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पूरा पुश दिया जाएगा इसके थ्रू, ताकि कूलिंग सेक्टर में हम इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके आ सके, ठीक है। फिर बहुत सारी और चीज़ें कही गई हैं कि भाई आरएसी सर्विस टेक्नीशियंस का स्किल किया जाएगा, ठीक है, एक आरएनडी इनोवेशन इकोसिस्टम को लेके आ जाएगा ताकि कूलिंग में अच्छी टेक्नोलॉजीज लाई जा सके। ये सब मैं आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात कर ही चुका हूँ फ्रेंड, ठीक है। रेफ्रिजरेंट बेस्ड टेक्नोलॉजीज, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, कूलिंग रिक्वायरमेंट्स, पैसिव इंटरवेंशन, सब कुछ एक तरीके से किया जाएगा। आप एग्जैक्टली कैसे किया जाएगा ना फ्रेंड्स, इसके बारे में भी एक अच्छी खासी एनालिसिस होगी। इस डॉक्यूमेंट को आउटलाइन कर दिया गया जिससे हमको एक विजन बता दिया गया कि भाई आने वाले टाइम में हम ये करेंगे, कैसे करेंगे ये तो धीरे 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 अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग काम करेंगे इस पे, साइंटिस्ट को लाया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स को लेके आया जाएगा, जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और जो बाकी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs हैं, उनकी मदद से इनोवेटिव सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश की जाएगी, तो ये बहुत कुछ हुआ जाएगा। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, और इसके अंदर होगा क्या क्या ये अगले आने वाले 7-8 सालों में पता चलेगा, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ों को लाया जाता है ना फ्रेंड्स, तो इनके रिजल्ट आपको 1 या 2 साल में नहीं दिखते हैं, इनके रिजल्ट आपको देखने के लिए कम से कम 6 से 8 साल 10 साल तक टाइम चाहिए, इसलिए 20 साल के टाइम फ्रेम में रख के इस प्रोग्राम को चालू किया गया है। आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स, पल्स पोलियो प्रोग्राम 2019 के बारे में बात करते हैं। देखिए पल्स पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव को निकालने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम 2019 लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे 2014 में हम लोग को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया को, बट फिर भी ये पोलियो फिर से मतलब बैक ट्रैक ना कर जाए, बाउंस बैक ना कर जाए, इसीलिए रेगुलरली इस पर चेक करने के लिए हमारी जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव रहती हैं, काम करती रहती हैं। तो ये पल्स पोलियो प्रोग्राम है ना जो 2019 का, इसके अंदर कहा जाएगा कि साल में 2 मास लेवल पे पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन होंगे और उसके साथ साथ 2 से 3 सब नेशनल कैंपेन्स होंगे, ठीक है। इन कैंपेन्स में 17 करोड़ बच्चे जो कि 5 साल से छोटे हैं उनको पोलियो ड्रॉप दी जाएंगी, और एडिशनल प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को भी अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चीज़ें समझिए, जो पोलियो वायरस वैक्सीन लाइव ओरल होती है ना जिसको OPV ड्रॉप्स बोलते हैं, वो तो बच्चों के मुंह में डाल के उनको दी जाती हैं, और ये जो आपका इनएक्टिवेटेड इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन है ना ये इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इंडिया में तो वो नहीं है, एक EIPV होती है जिसको बोलते हैं पोलियो वायरस वैक्सीन इनएक्टिवेटेड इनहेंस्ड पोटेंसी। तो ये वाली जो वैक्सीन होती है ना US कनाडा में यूज़ होती है, इंडिया में उतनी यूज़ नहीं की गई है, ठीक है। अब पोलियो वायरस वैक्सीन काम कैसे करता है फ्रेंड्स, देखिए ये एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन एजेंट होता है, और जब ये आपके शरीर में जाएगा तो आपकी बॉडी में जाके कुछ ऐसे मैकेनिज्म करेगा कि आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगेंगी इस पोलियो एक्टिव पोलियो वायरस से लड़ने के लिए। ये जो आपके शरीर में डाला जा रहा है ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है, यानी ये जाके अंदर पोलियो कॉज नहीं करेगा क्योंकि इसके वायरस स्ट्रेन को इनएक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन ये ऐसी एंटीबॉडीज पैदा कर देगा जो एक्टिव पोलियो वायरस से लड़ने में बहुत काम आएंगी। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पोलियो वायरस का ही इस्तेमाल करके हमने पोलियो से लड़ लिया उसको इनएक्टिवेट करके, ठीक है। फिर इसके साथ कुछ स्टैट्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था 2014 में, लास्ट रिपोर्टेड केस इंडिया में था आपका 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल गुजरात में,
पोलियो की अगर हम बात करें तो उसको पोलियो माइलिटिस भी बोलते हैं फ्रेंड्स, एक कंटेजियस डिजीज है, बहुत डिवास्टेटिंग है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो ये लगभग 1950s में मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में एलिमिनेट कर दी गई थी। 1900s की शुरुआत में इसका ज़बरदस्त डिवास्टेटिंग इफेक्ट सामने आया था, फिर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई उस पर और 1955 में इसको हटाने की तरफ एक मेजर ड्राइव शुरू हुई, क्योंकि तब ये ओरल पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट कर दिया गया था। अब कुछ वन लाइनर न्यूज़ भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपको पता है कि श्री कुमानम राजशेखरन जो कि मिजोरम के गवर्नर हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, उनके रिजिग्नेशन को प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, और प्रेसिडेंट ने जो गवर्नर हैं आसाम के प्रोफेसर जगदीश मुखी, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया है आपका गवर्नर ऑफ मिजोरम का। तो गवर्नर ऑफ मिजोरम का एडिशनल चार्ज मिल गया गवर्नर ऑफ आसाम प्रोफेसर जगदीश मुखी को। तो अब ही कौन है मिजोरम का गवर्नर, तो हो जाएंगे आपका प्रोफेसर जगदीश मुखी। फिर एक और न्यूज़ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी को इनॉग्रेट किया गया 9 मार्च 2019 को। इंपॉर्टेंट बात का है कहाँ और इनॉग्रेट किया गया है, तो इनॉग्रेट किया गया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है ये एक एकेडमिक विंग है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में। यहाँ पे बच्चों को एक सपोर्टिव इंथुजियास्टिक और चैलेंजिंग एकेडमिक एटमॉस्फियर दिया जाएगा ताकि आर्कियोलॉजी के फील्ड में वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें, एक्सेल कर सकें, अपने पूरे पोटेंशियल का फायदा उठा सकें। फिर पेलेस्टीन के नए प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शताए, ये याद रखिएगा। फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहला अवार्ड मिला है टीवी सिनेमा स्पॉट में, कहाँ पे, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 जो कि बर्लिन में हुए हैं। तो इसमें टीवी सिनेमा स्पॉट कैटेगरी में पहला इनाम मिला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर एक्को जनरल इंश्योरेंस, ये एक भाई नई एज की डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी है, इसको एक गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड मिला है 2019 का। कौन से प्रोडक्ट में मिला है, कॉन्टेक्चुअल माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया था, ओला राइड इंश्योरेंस। अगर आप ओला यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा। तो ओला राइड इंश्योरेंस के लिए गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 दिया गया है किसको, एक्को जनरल इंश्योरेंस को। तो ये थी फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़, आई होप आपके लिए यूजफुल हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।